हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजॉय एंड लव इन अ व्हील। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन मीटिंग या वर्चुअल मीटिंग के इटिकेट्स के बारे में। जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए से कम्युनिकेट करना आवश्यक होता जा रहा है। आज की सोशल डिस्टेंसिंग की माहौल में इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम सर्वथा सुरक्षित एवं उपयोगी हो गया है, क्योंकि यह माध्यम हम सबके लिए नया है। इसीलिए इन्हें उपयोग करते वक्त हमें कुछ आवश्यक शिष्टाचार का पालन करना चाहिए, ताकि हम उसका अच्छे से उपयोग कर सकें और उससे अच्छा लाभ हमें मिल सके। तो चलिए आज बात करते हैं ऑनलाइन मीटिंग के इटिकेट्स के बारे में। मीटिंग के निर्धारित समय से आधा घंटा पहले से ही अपना नेटवर्क कनेक्शन चेक कर लें। मीटिंग के वक्त अपने आप को प्रेजेंटेबल रखें। अगर आपकी वीडियो ऑन है तो हमेशा सीधा बैठकर ही बात करें। एक शांत जगह चुनें और मीटिंग के लिए बैठ जाएं, क्योंकि आप जब अपने आप को अनम्यूट करेंगे तो बैकग्राउंड आवाज़ें आपको या दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आपका बैकग्राउंड हमेशा प्रेजेंटेबल होना चाहिए। जब आप वर्चुअल मीटिंग के रूम में प्रवेश करते हैं तो अपने आप को म्यूट रखें, या अगर आप एक ऑडियंस की तरह ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका ऑडियो ऑप्शन म्यूट मोड पर रखें। जब आप अपनी राय देना चाहते हैं तो फिजिकली या वर्चुअली चैट ऑप्शन को इस्तेमाल करके अपना हाथ उठाएं। हाँ, और एक बात, सबसे पहले एक अच्छा श्रोता बनने की कोशिश करें और बेहतर ऑडियो के लिए हेडफोन का इस्तेमाल करना ना भूलें। अगर आप वीडियो समय ज्वाइन कर रहे हों तो कृपया सुनिश्चित करें कि कोई भी अप्रिय चीज़ स्क्रीन पर दिखाई नहीं देनी चाहिए। मीटिंग के समय अपने पास एक राइटिंग पैड और पेन अवश्य रखें, ताकि आप जरूरी पॉइंट्स लिख सकें। और हाँ, एक पीने का पानी का ग्लास भी अपने पास रख लीजिए, ताकि आपको उसके लिए उठ के जाना ना पड़े। जैसे कि हम सब जानते हैं, वर्चुअल मीटिंग में हमारे पास सीमित समय होती है, इसीलिए समय बर्बाद ना करके हमें कंसर्न टॉपिक के चर्चे पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आशा करती हूँ ये छोटे छोटे टिप्स को अगर हम पालन करें तो आने वाले ऑनलाइन मीटिंग्स को श्रृंखलित और प्रभावी बना सकते हैं और हम सब के कार्यों को आगे सुचारू रूप से बढ़ा सकते हैं। एंड आई एम श्योर इफ़ वी कैन प्रैक्टिस वी कैन डेफिनेटली डू इट। थैंक यू।